चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेक्निकल। देखिए बाबू, अब आप लोग के सामने लेकर आया हूँ माध्यक का अगला वीडियो। जैसा कि हम आप लोग पढ़ा चुके थे माध्यक में क्या क्या पढ़ा चुके थे, तो माध्यक का डिफिनेशन, उसके बाद बताए थे साधारण सारणी और अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। और साधारण सारणी और अवर्गीकृत आंकड़ा पर हम एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन भी बनाए थे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़ा पर क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला हम आप लोग के बता चुके हैं, याद है? देखिए क्या बताए थे, m बराबर m मतलब मीडियन, मीडियन मतलब माध्यक, और l प्लस l बटा 2 माइनस c बटा f गुने h बताए थे ना। अब देखिए इसमें हम लोग को जानना था कि l क्या है, n क्या है, c क्या है, f क्या है और h क्या है। तो ये सारा टर्म हम आप लोग के बता चुके हैं, याद है? नहीं याद है तो हम बताए थे कि जो भी हम पढ़ाते हैं फॉर्मूला उसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके कॉपी में लिख लीजिएगा। अब कॉपी आप लोग सामने रखे होंगे तो देखिए कि एल क्या है, एन क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। ऐसे हम आप लोग का क्वेश्चन बनाएंगे तो सब आपका क्लियर कर देंगे। तो देखिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं बाबू। देखिए वर्गीकृत आंकड़ा हम क्या दिया, वो वर्ग अंतराल और बारंबार था। वर्ग अंतराल देखिए दिया है 0 से 5, 5 से 10, ऐसे ही पढ़ते गया कहां तक, 35 से 40 तक। और ये देखिए बारंबारता दिया हुआ, बारंबारता क्या दिया हुआ, 26, 34, 32, 28, 20, 16, 34, 10। हम बताए थे ये भी कि यहाँ बारंबारता लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लेंगे। लेकिन अगर यहाँ बारंबारता नहीं रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, तो बताए थे कभी बढ़ते रहेगा तो कभी घटते रहेगा। देखिए इसमें है ना 26 से 34, 34 से 32, एक बार बढ़ रहा तो एक बार घट रहा, इसका कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो देखिए हम लोग का दिया हुआ बारंबारता निकालने क्या करा, इस वितरण का माध्यक ज्ञात करें। तो हम बताए हैं कि इसका माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए और संचयी बारंबारता चाहिए। तो देखिए तो एफ मैंने बारंबारता, सी मैंने संचयी बारंबारता, तो हमको दोनों चाहिए। और एन क्या था, कुल योग था बारंबारता का, और एल क्या है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, और एच क्या है, तो माध्यक वर्ग का लंबाई। तो देखिए तो हमारा सब कुछ दिया हुआ है लेकिन संचयी बारंबारता नहीं दिया हुआ, तो उसको निकालेंगे, तो उसको निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू कि एक संचयी बारंबारता का टेबल बनाएं। देखिए हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, समझ रहे ना कि निकालना क्या है, माध्यक निकालना। अब देखिए हम लोग निकालेंगे यहां से संचयी बारंबारता। देखिए तो संचयी बारंबारता का एक टेबल बनाएंगे। अब यहां से देखिए संचयी बारंबारता आप लोग को निकालने के लिए हम बताए हैं, याद है? कैसे बताए थे आप लोग को कि पहला टर्म जो है बाबू वही लिख देंगे, बताए थे ने? उसके बाद क्या करेंगे, अगला टर्म को क्रॉस जोड़ते जाएंगे। देखिए 26 में 34 जोड़ेंगे, फिर यहां जो आएगा इसमें 32 जोड़ देंगे। तो आप जोड़ते जाइए, देखिए 6 4 कितना हो जाएगा 10, 3 और 2 5 और 1। आगे देखिए क्या करेंगे, 60 में 32 जोड़ देंगे तो 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 6 और 3 9। फिर उसके बाद इसमें जोड़ेंगे बहुत, देखिए 8 और 2 10 के 0 9 और 2 11 12, जोड़ने आता है ना, देखिए जोड़ते जाएंगे। यहां से देखिए 120 और 20 कितना हो जाएगा 140, यहां से देखिए 16 जोड़ेंगे कितना होगा 156, यहां से देखिए 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 और 15 3 18 1 19, फिर यहां 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200। देखिए तो अब हमको सब कुछ मिल गया। एक और क्या है, एन, एन क्या था, तो बारंबारता का कुल योग। तो देखिए बारंबारता यही ना है, इसका कुल योग निकाल लेंगे। तो हम बताए थे कि इसका कुल योग जो आएगा संचयी बारंबारता का लास्ट वाला वही आएगा, नहीं विश्वास है तो आप जोड़ के देखिए ये सब कितना आएगा, 200 आएगा। यहां से लिख लेंगे कुल योग, यहां से और बना लेंगे टेबल, यहां से कुल योग कितना लिख देंगे बाबू, 200 लिख देंगे। अब देखिए हमको निकालना था क्या, मीडियन निकालना था अर्थात माध्यक निकालना, यहां से निकाल देंगे, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर। देखिए माध्यक निकालने से पहले हम आप लोग को बताए थे माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माध्यक वर्ग से हमको पता चलेगा एफ सी और एल पता चलेगा। तो देखिए माध्यक वर्ग का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, याद है, एन बटा टू से अधिक संचयी बारंबारता।
क्या बताए थे? एन बटा टू से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए जैसा कह रहा वैसा देखेंगे क्या कह रहा। तो देखिए तो क्या कह रहा, एन एन मतलब कितना बताया था, बारंबारता का कुल योग। तो बारंबारता का कुल योग कितना है 200, तो 200 बटा क्या हो जाएगा 2 से अधिक, ये टर्म लिखते आएंगे हम। अब देखिए आगे इसको भागा दीजिए कितना जाएगा 100, यहाँ क्या हो जाएगा 100 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए बाबू 100 से अधिक, अब देखिए तो 100 से अधिक संचयी बारंबारता किस में होगा, यहाँ 26 है, 60 है, 92 है, 120 है। देखिए तो 100 से अधिक संचयी बारंबारता इसी में जाएगा। देखिए तो अब इसके वाला वर्ग अंतराल, इसके वाला वर्ग अंतराल कितना है 15 से 20, ये बात आपको समझ में आया, ये आप लोग का बहुत बता चुके हैं। देखिए यहाँ से हो गया, अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ से एल चाहिए, यहाँ से निकालेंगे हम। देखिए मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम इधर निकाल रहे हैं, यहाँ से एल निकाल देंगे। एल क्या बताए थे, माध्यक वर्ग, एल क्या बताए थे, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, निम्न सीमा देखिए कितना है 15 है ना। उसके बाद क्या है सी, सी बराबर क्या बताए थे, तो माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग क्या है 15 से 20, 15 से 20 का ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा 10 से 15, इसके वाला संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 92। कंफ्यूजन नहीं है, सी मतलब संचयी बारंबारता, तो किसका वाला, तो ठीक पहले वाला और उसकी संचयी बारंबारता। एफ क्या बताए थे, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए माध्यक वर्ग कितना है 15 से 20, 15 से 20 का बारंबारता कितना है 28, तो क्या हो जाएगा 28। देखिए संचयी बारंबारता और बारंबारता में कंफ्यूजन नहीं होगा, बारंबारता एफ से तो बारंबारता लिखेंगे और ठीक उसी का जो वर्ग अंतराल आएगा, और संचयी बारंबारता ठीक उसके पीछे वाला का याद रहेगा। आप देखिए एच, एच बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो माध्यक वर्ग का ऊंचाई कितना है, तो 15 से 20, ऊंचाई कैसे बताए थे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 20 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा ना। आप देखिए हमको चाहिए क्या, माध्यक चाहिए, फॉर्मूला लगा देंगे यहां से, इसीलिए एम इक्वल टू एन प्लस एन बटा टू माइनस सी और बटा क्या हो जाएगा वो एफ गुने एच। आप देखिए सबका वैल्यू सिर्फ रखना, एल का वैल्यू देखिए कितना है 15 प्लस एन बटा टू, तो एन बटा टू एन का वैल्यू देखिए कितना है 200 और 200 बटा 2 कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। माइनस सी, सी का वैल्यू देखिए कितना है 92 है। यहाँ देखिए एफ, एफ का वैल्यू देखिए कितना है 28 है और एच का वैल्यू देखिए कितना है 5 है। आप देखिए तो यहाँ से इसको सोल्व नहीं कर देंगे, जोड़ घटाओ सिर्फ तो है, यहाँ से सोल्व कीजिए बाबू। तो देखिए तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 को 15 रहने देंगे प्लस, यहाँ से देखिए 100 में से 92 जाएगा बाबू कितना बचेगा 8, 8 बटा 28 और गुने कितना हो जाएगा 5, इसको आगे सोल्व कीजिए 15 प्लस, यहाँ से देखिए तो 2 चौक 8 और 7 चौक 28 होगा ना। अब यहाँ से देखिए 5 गुनी की 10 बटा 7, अब देखिए इसको और आगे सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 बटा 7 भागा दीजिएगा, तो 7 से भागा दीजिएगा 10 में तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, देखिए 7 से भागा देंगे ना 10 में तो 1 एकम लग जाएगा 3 और 0 पॉइंट बैठेगा 7 चौक 28 क्या हो जाएगा 1.4। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 15 प्लस 1.4 क्या हो जाएगा 16.4, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए कितना आसान था वो माध्यक निकालना, सिर्फ क्या करना था सबका वैल्यू पुट करना था फॉर्मूला में और सोल्व कर देना था। तो देखिए हम बताए थे कि वर्गीकृत आंकड़ा के लिए जो भी फॉर्मूला लिखाए हैं ये फॉर्मूला याद रखेगा। अब देखिए बाबू यही वर्ग अंतराल यही बारंबारता रहेगा, माध्यक जैसे निकाले हैं वैसे बहुलक भी सिखाया और माध्य भी सिखाया। तो देखिए एक्सरसाइज 14.3 में आप लोग का आंकड़ा दिया हुआ रहेगा और पूछेगा माध्य बहुलक और माध्यक तीनों निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा तीनों का फॉर्मूला हम आप लोग पढ़ाए हैं तीनों निकालिएगा। तो आप लोग क्या कीजिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटाते हैं इस पर एक अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं। देखिए छोटू अब आप लोग के सामने टाइप थ्री का ही दूसरा क्वेश्चन लिए, देखिए इसमें भी क्या है वर्गीकृत आंकड़ा पर रहेगा आधारित प्रश्न। तो देखिए क्या करा है, निम्नलिखित वितरण का माध्यक निकालें,
तो देखिए इसमें वर्गांतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, तो हम आप लोग के बताए थे। देखिए यहाँ से वर्गांतराल कैसे दिया हुआ, 9.3 से 9.7, उसके बाद देखिए 9.8 से 10.2 है। यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, 9.7 से खत्म हो रहा और शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 9.8 से। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें देख रहे थे क्या कि जहां से समाप्त होता था वहीं से शुरू होता था। जैसे देखिए तो पिछला क्वेश्चन देखे थे 0 से 5, तो अगला 5 से 10 था, मतलब जहां से खत्म हो रहा था वहीं से शुरू हो रहा था। और भी देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी तक बना है, चाहे माध्य में चाहे बहुलक में चाहे माध्यक में, देखें क्या कि अगर 0 से 10 शुरू होता था तो आगे 10 से 20 शुरू होता था, पता था ना, फिर आगे क्या होता था 20 से 30 शुरू होता था। लेकिन यहाँ देखिए हर टर्म में हर वर्ग में देखिए तो एक एक पॉइंट बढ़ गया। देखिए यहाँ 9.7 तो यहाँ 9.8, यहाँ देखिए 10.2 है तो यहाँ 10.3 है। देखिए तो एक एक पॉइंट बढ़ गया, कभी एक भी बढ़ सकता है कभी दो भी बढ़ सकता है, समझे। तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्गांतराल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल वर्गांतराल नहीं है। क्योंकि हम आप लोग के बताए थे शुरू में जब पढ़ाए थे सांख्यिकी, तो उसमें बताए थे कि माध्य निकालने में, शुरू में जब हम आप लोग के बताए थे सांख्यिकी, तो उसमें हम लिखाए थे वर्गीकृत आंकड़ा लिखने का विधि, बताए थे वर्ग लिखने का दो विधि है, एक समावेशी विधि और एक अपवर्जी विधि, एक समावेशी और एक अपवर्जी। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो सांख्यिकी का, उसमें अपवर्जी विधि और समावेशी विधि बताए थे। अपवर्जी विधि में ये था एग्जांपल और समावेशी विधि का ये था एग्जांपल जो बढ़ के लिखा था। तो बताए थे कि अगर देखिए बाबू अगर 0 से 10 है और अगला 11 से शुरू हो रहा है 21, अगला फिर 22 से शुरू हो रहा है 32, मतलब एक एक देखिए बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए एक एक जब बढ़ेगा तो इसके लिए हम बताए थे क्या कि ये दोनों को घटाएंगे, अगला वर्ग का निम्न सीमा और पिछला वर्ग का उच्च सीमा, और दोनों को घटाने के बाद क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, और भागा देने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे। ये विधि हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिएगा पीछे, फर्स्ट वीडियो सांख्यिकी का। तो देखिए हम इसको समझाते हैं, अगर आप लोग यहाँ नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन बताते हैं तो वहां ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए इसको इरेज करते हैं बाबू, देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक वर्गांतराल निकालना पड़ेगा। अब देखिए बारंबारता दिया हुआ हमको, माध्यक में संचयी बारंबारता भी चाहिए, तो एक संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा, तो यहां से संचयी बारंबारता भी निकाल लेंगे। देखिए तो दो टेबल और बन जाएगा, यहां से बनेगा ना। देखिए इसमें नया क्या आया है, वर्गांतराल एक नया आया है। ऐसे ये ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है, जो हम लोग पढ़े हैं वर्गांतराल वही पूछेगा, लेकिन देखिए अगर ऐसा पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए देखिए जब भी ऐसा रहे क्या रहे कि जो शुरू हुआ है वह उससे बढ़कर शुरुआत हो रहा है, तो यहां से क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे। तो क्या कीजिएगा, 9.8 में 9.7 को घटाइएगा, क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो घटाइए तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद क्या बताएं कि जो आएगा उसमें भागा देंगे, कितना से 2 से, तो इसको भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.05। देखिए आ रहा है, आप क्या करेंगे 0.05 को इसमें जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे, ये बात याद रखना। क्या याद रखना है, सबसे पहले ये दोनों में से घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसमें 2 से भागा देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे इसमें घटाएंगे, सॉरी इसमें जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे, याद रहेगा। तो देखिए तो यहाँ से 0.05 आया, तो क्या करेंगे इसमें जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 9.3 से, देखिए 0.05 जोड़िए तो इसमें क्या आ जाएगा 9.75 आएगा। और इसमें देखिए घटाइएगा, क्या बताएं शुरू वाला में घटाना है इसमें जोड़ना है, तो इसमें घटाइएगा, देखिए 9.3 में 0.05 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 9.25। इसमें देखिए इसमें क्या करना है घटाना है और इसमें क्या करना है जोड़ना है, मतलब क्या करना है कि जो निम्न सीमा रहेगा उसमें घटाना रहेगा और उस सीमा रहेगा उसमें जोड़ना रहेगा, क्या जोड़ना रहेगा जो भागा देकर आएगा वो। अब देखिए इसमें घटाइए बाबू तो क्या आ जाएगा यहाँ से 9.75, देखिए घटाइए ना आ जाएगा, और इसमें देखिए जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 10.25, इसमें देखिए घटाइए क्या आ जाएगा 10.25
2.25, इसमें जोड़िएगा तो क्या देगा 10.75, इसमें देखिए घटाइए तो क्या देगा 10.75, इसमें जोड़िएगा तो क्या देगा 11.25, इसमें देखिए घटाइए तो क्या देगा 11.25, इसमें जोड़िएगा तो क्या देगा 11.75। ये बात आपको समझ में आया जोड़ने और घटाने का, क्या कहें कि सबसे पहले इसमें और इसमें घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसमें दो से भागा देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे, याद रहेगा। आप देखिए नया वर्ग अंतराल जो बना है इसमें देखिए तो पिछले जैसा हो गया, देखिए जहां पर समाप्त हो रहा था वही से शुरुआत हो रहा है, देखिए यहाँ भी जहां से समाप्त हो रहा वही शुरुआत हो रहा है। आप देखिए वर्ग अंतराल हमारा मिल गया पहले जैसा। अब निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो इसको तो बहुत बार समझा चुके हैं, पहला टर्म को लिख देंगे, उसके बाद 2 और 5 7, फिर यहां से जोड़ देंगे 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 होगा ना, उसके बाद देखिए 19 और 17 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 1 1 2 1 3 यहां जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 40, सॉरी कितना हो जाएगा 50 होगा ना। आप देखिए हमको निकालना है क्या माध्यक, तो माध्यक का फॉर्मूला यहां से लगा देंगे, तो माध्यक का फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। आप देखिए यहां से सब कुछ मिल गया आपको पहले जैसा, अब यहां से नहीं बना लीजिएगा, माध्यक वर्ग के लिए क्या फॉर्मूला बताएं कि एन बटा टू से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तो एन बटा टू से अधिक, तो एन का वैल्यू क्या बताएं थे कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता बताएं थे जो संचयी बारंबारता का लास्ट होगा वही होगा, नहीं विश्वास है तो कुल बारंबारता को जोड़िए ये सबको तो कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कुल योग, और कुल योग कितना हो जाएगा बहु 50 होगा। अब यहां रखेंगे 50 बटा 2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, आप लिखिएगा बहुत बार लिख चुके हैं, यहां से देखिए भागा दे क्या आ जाएगा 25, अब देखिए 25 तो 25 से अधिक, तो देखिए तो 25 से अधिक किस में जाएगा, देखिए तो 36 वाला में जाएगा नहीं, देखिए 25 से अधिक यही है, और इसके वाला वर्ग अंतराल, तो इसके वाला वर्ग अंतराल अब ये नहीं देखेंगे, नया आया था वो वाला देखेंगे, तो नया देखिए तो क्या आया है 10.75 से 11.25 है ना, ये अब का वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब यहां से निकाल दीजिए सब कुछ, वो क्या हो जाएगा एल, तो एल निम्न सीमा कितना हो जाएगा 10.75, सी सी क्या बताए थे कि जो वर्ग अंतराल रहेगा उसके ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता, तो उसके पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 19, एक बराबर क्या बताएं माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग देखिए यह है 10.75, इसके वाला बारंबारता कितना है 17 है, एच एच बराबर क्या बताए थे माध्यक वर्ग का ऊंचाई, तो देखिए तो ऊंचाई कितना है, तो बताए थे उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएं तो घटा दीजिए आप, क्या हो जाएगा 11.25 में 10.75 घटाइए तो बहुत कितना जाएगा 0, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ 10 तो 0 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 0.5 आएगा, आएगा ना। आप देखिए फॉर्मूला बैठा देंगे यहाँ से, इसलिए माध्यक बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस एन बटा टू माइनस सी बटा एफ गुने एच, आप सबका वैल्यू रख दीजिए बहु, एल का वैल्यू देखिए कितना है 10.75 प्लस एन बटा टू, तो एन बटा टू कितना हो जाएगा 50/2 बराबर 25 माइनस सी, सी का वैल्यू देखिए कितना है 19, और बटा देखिए कितना हो जाएगा एफ, एफ का वैल्यू कितना है 17 गुने एच, एच का वैल्यू देखिए कितना है 0.50 लिखे कोई बात नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व नहीं कर लीजिएगा, इसका सोल्व कीजिएगा जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, इसमें सिर्फ नया आपको क्या देखने को मिला वर्ग अंतराल नया मिला ने, क्योंकि हम आप लोग के बताए थे वर्ग लिखने का दो तरीका, एक समावेशी और एक अपवर्जी, तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे सब ये सब देखिए जितना भी वर्ग अंतराल हम लोग पीछे पढ़े सब अपवर्जी विधि था, लेकिन ये क्या था समावेशी में था, इसको अपवर्जी में कन्वर्ट किए हैं, समझे। आप देखिए इसको सोल्व कीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा 10.75 प्लस 25 में 19 जाएगा और कितना हो जाएगा 6/17 गुने 0.5, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10.75 प्लस इसको देखिए गुना करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 3, और 3/ कितना हो जाएगा 17, अब इसको भागा दीजिए बाबू 10.75 प्लस इसको भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.17, अब इसको जोड़ दीजिए बाबू दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 5 और 7 12, यहाँ से देखिए 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 और 1 वाला 9, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 और 0 10, ये हो जाएगा आपका
आंसर। देखिए तो कितना आसान था बाबू। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है तो हम आप लोग का सब क्वेश्चन आप पढ़ा चुके हैं। वर्ग अंतराल बहुत तरह के बताएंगे, ये तो दो तरीका बताएं कि एक डायरेक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट बना देना है, दूसरा क्या बताएं कि ये समावेशी में रहेगा तो इसको भी बनाना है वर्जिन कन्वर्ट करने के लिए, और एक तरीका और बताएंगे कि कभी रहता था कम और अधिक, बताए थे कि वर्ग अंतराल से कम और उससे अधिक रहता था, वैसा भी वर्ग अंतराल बताए तो पीछे वीडियो देखिएगा। अब देखिए आपका सांख्यिकी 14.3 समाप्त होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा और बच गया, थोड़ा सा और क्या बच गया है, क्या बताएं कि यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन इसमें कहेगा माध्य भी निकालिए, बहुलक भी निकालिए और माध्यक भी निकालिए, तीनों। तो तीनों के लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं, आप अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा फॉर्मूला और है जो तीनों का रिलेशन है, माध्य बहुलक और माध्यक। तो ये तीनों रिलेशन बताएंगे अगले वीडियो में और उस पर क्वेश्चन लेंगे, उसके साथ आपका क्या करेंगे 14.3 को समाप्त करेंगे। तो आज तक आप लोग के लिए यही तक। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।